ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि फटे हुए दूध जो होते हैं, फटे हुए दूध का जो पानी होता है उसका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं। दूध फट गया है और आप उसे फेंकने वाले हैं तो 5 मिनट रुक जाइए। फटे दूध से जैसे पनीर बनता है तो उसका पानी भी बहुत उपयोग में आता है और काफी हेल्दी होता है। आप आटे को गूंदने के लिए और ग्रेवी बनाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी की जगह फटे दूध का जो पानी है उसको आप आटा गूंदने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह गूंदे आटे के या पराठे जो है वो बहुत नरम बनते हैं और इसमें प्रोटीन भी मिल जाता है, क्योंकि जो पानी होता है उसके अंदर प्रोटीन होता है। इसके अलावा आप इस पानी को फल या सब्जियों के जूस में भी मिला सकते हैं। ग्रेवी को खट्टा बनाने के लिए आप टमाटर, आमचूर, इमली या दही की जगह फटे दूध का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जब आप उपमा और सूप बनाते हैं वहां भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फटे दूध का पानी का फ्लेवर काफी लाइट होता है, जिस उपमा में मिलाने से आपका जो स्वाद है और बेहतर हो जाएगा। उपमा में टेस्ट लाने के लिए टमाटर या दही मिलाने की जगह फटे दूध का पानी मिलाने पर ज्यादा बेहतर स्वाद आता है। आप सूप बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध, देखिए दूध जीवन के लिए अनमोल है, लेकिन आजकल न सिर्फ दूध की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, बल्कि इसकी उपलब्धता भी कम होती चली जा रही है अच्छे दूध की। उस पर अगर दूध फट जाए तो फिर दुख भी बहुत होता है। तो इसके फटे दूध के पानी में प्रोटीन काफी होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद आप सौंदर्य निखारने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फटे दूध के पानी से बालों को शैम्पू करने के बाद दोबारा इस पानी से धोएं और फिर 10 मिनट तक लगा रहने दें और हल्के गर्म पानी से बालों को धो लें। इससे बाल जो है आपके मुलायम बनते हैं और उसमें शाइन आता है। साथ ही अपने चेहरे को धोकर आप त्वचा को मुलायम, टोंड, नरम और भीतर से साफ बना सकती हैं। दरअसल इस पानी में एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो कि सिर और त्वचा के पीएच लेवल को बैलेंस करता है। आपके जानवरों के लिए हेल्दी डाइट है, अगर आपका जानवर उसे पीता है तो, बहुत कुत्ते नहीं पीते हैं पर बहुत सारे कुत्ते इसे पीते भी हैं। अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर जैसे कुत्ता या बिल्ली आदि है तो उसे एक्स्ट्रा प्रोटीन देने के लिए उसके खाने में मिला दीजिए। इसके अलावा आप फटे दूध के पानी को पौधे में भी डाल सकते हैं, ऐसा करने से पौधों को पोषण मिलता है। लेकिन इस पानी को घोल कर ही प्रयोग करें, क्योंकि यह एसिडिक होता है और यह सीधा पौधे में डालने से अगर आप डाल देंगे तो आपका पौधा जल जाएगा। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट कीजिए। धन्यवाद।